दिख रहा है? मैं करता स्टार्ट। ठीक है तो लिखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है? 13.2। ठीक है, बेसिक सबको आ गए, फॉर्मूले याद है ना वॉल्यूम के बढ़िया करके? हाँ भाई याद है, वॉल्यूम के लिख भी दिए होंगे साथ साथ एक जगह। ठीक है, टोटल कितने वॉल्यूम के फॉर्मूले हमारे पास? 6। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर सब आता है। और मैंने एक लॉजिक और बताया था फॉर्मूले के अलावा कि अगर दो शेप को मिक्स करेंगे साथ में जोड़ेंगे तो वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होगी। ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, एक कोन रखा उल्टा इन्वर्टेड उसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया, तो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कितनी आएगी? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? इतना हम सबके सब डिस्कस कर चुके थे बड़े अच्छे से। ठीक है, अब हम काम स्टार्ट करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन ये रहा, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है पहला, हाँ 13.2 का पहला। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। तो पता लग गया एक सॉलिड है किसकी शेप में? कोन, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। इस अंडरलाइन करो उस लाइन। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ साथ में अंडरलाइन करना सीखो, तभी सीखोगे ज्यादा चीजें। कर दिया, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो इसको अंडरलाइन करो, कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक फिगर बन गई होगी दिमाग में कि कोन है किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर के ऊपर। तो ये कोन है, बना दो किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर। ये कोन है ऐसा, किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर के ऊपर है। लो बना दिया, इतना सही है, फिगर बना दिया साथ साथ। आगे विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो भैया ये रही रेडियाई 1 सेंटीमीटर, ये रही इसकी रेडियाई, इसकी भी रेडियाई कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। यहां तक चलेगा? एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब बताओ हाइट कितनी है कोन की? रेडियस के इक्वल, यानी कि 1 ही है। लाइन का मतलब समझो, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट किसके बराबर है? रेडियस। अब ये जो हाइट थी ना, ये भी कितनी है? 1। सब कुछ 1-1, कोई परेशानी इतने में। फाइंड, क्या बोल रहा है? फाइंड द, क्या बोला आगे? फाइंड द के आगे बढ़ो, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। तो दो चीजें, एक कोन और एक हेमिस्फीयर, किस किस की वॉल्यूम ऐड करनी पड़ेगी? कोन प्लस हेमिस्फीयर। सिंपल है क्वेश्चन, पक्का? हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन, यश क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन? इतना सोचना पड़ रहा है भाई। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐसे निकालना चाहिए आंसर एकदम से, कोशिश कर लो। लिख दिया फॉर्मूले, चलिए तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे, फिगर अगर आपने सही बनाई है आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में? लिखिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम। उसने बोला है आंसर आपको चाहिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखनी। रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? रिक्वायर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बोलो कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत बढ़िया लिख डाला, बढ़िया करिए। चाहे तो पहले समझ लो, लिख बाद में लेना। अब बोलो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था यश? हाँ भाई यश, क्या था फॉर्मूला? हाँ थोड़ा तेज बोल भाई। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2/3 πr³। अब वैल्यू रखेंगे, ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि उसने बोला है इन टर्म्स ऑफ पाई चाहिए आंसर। अच्छा कॉमन आ रहा कुछ? पाई कॉमन आ रहा, अपॉन थ्री भी कॉमन आ रहा ना, आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, इसके पास भी, इसके पास 2r², इसके पास 3 है, तो 2 तो आ ही सकते बाहर। बचेगा क्या? एच प्लस 2r। यहाँ तक सही है? हाँ भाई राहुल, कोई दिक्कत? बढ़िया, वैल्यू रखो अब, पाई अपॉन थ्री ऐसे रहने दो। आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर ऐसे लिख लो, h की वैल्यू 1 + 2 × 1। यहां तक कोई परेशानी? प्लीज सही है। नाउ अगली चीज पे काम करेंगे, पाई अपॉन 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो 1 ही होगा, और 1 + 2 × 1 = 2, तो 1 + 2 कितना हो गया? ये तो अंदर भी 3 हो गया। यहां तक कोई परेशानी? 3 से 3 क्या हो जाएगा? 3 से 3 को काटो, कितना है आंसर? पाई। और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। वॉल्यूम है ना, क्यों नोट करो, एज इट इज, एज इट इज नोट करिए प्लीज।
ढंग से नोट करना, एक एक चीज होनी चाहिए बढ़िया, आराम से आराम से कर लिया नोट। अगला नंबर तेरा है फॉर्मूला में, याद रखियो, देख ले फॉर्मूले, चलते फिरते फॉर्मूले याद करो भयंकर बढ़िया करके। दो मिनट के लिए भी कंफ्यूजन हो कॉपी खोल दो। हाँ भाई याद हो गए, समझ में आया वाला क्वेश्चन, पहले कर लिया था। हो गया अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन, पढ़ेंगे साथ साथ बढ़िया करके, स्टार्ट करते क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक लड़का है रेशल, जो भी है नाम, नाम से मतलब नहीं, कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप, मतलब उससे बोला कि एक मॉडल बनवाना है, ठीक है, कैसा है मॉडल की शेप समझना, लाइक अ सिलेंडर With two cones attached at its two ends, मतलब ये सिलेंडर है, ऊपर भी एक कोन लगाना है और नीचे भी एक कोन लगाना है, ठीक है, तो कुछ ऐसी शेप बन रही, ध्यान देंगे सबके सब, एक सिलेंडर है, थोड़ा यहाँ बना, एक सिलेंडर है और क्या करना है, ऊपर भी एक कोन लगाना है और नीचे भी एक कोन लगाना है ऐसी, ठीक है। एक कोन नीचे लगाया ऐसे, एक कोन ऊपर लगाना, ठीक है। अब बोला है ये एल्युमिनियम वगैरह जिसका भी बन रहा, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज, जो डायमीटर है वो कितना है, 3। अच्छा परसों मैंने बताया था अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हैं? तो डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस कितना हो गया, तो लिख दो डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 3/2, तो कितना है 1.5, सीधा लिख दो तो 1.5, अच्छा आर हो गया। पहले नोट मत करो, पहले समझ लो, फिर तुम बोलोगे आया कैसे। अच्छा द डायमीटर ऑफ द, डायमीटर के बारे में बात कर रहा है, 3 सेंटीमीटर, हाइट लेंथ कितनी है पूरे मॉडल की, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना है, 12 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। जिसमें से इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी है, 2, मतलब ये वाली हाइट 2 है, ध्यान समझे ना, जिसको ये समझ आ गया उसका क्वेश्चन क्लियर होगा। ये भी कितना है, ये 1.5 इधर, हाँ भाई 2 2, तो ये बचा कितना, सिलेंडर में कितना बचा, 8 बचेगा पक्का, खुद सोचो ना, अगर ये पूरा 12 है तो 2 इधर 10 हो गया, 2 इधर 8, सही है यहाँ तक, ये बचा 8। अब क्या पूछा है, इफ ईच, ये हो गया फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, एयर कितना घंटे में, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब एक बात बता दो, फिगर सही है, पहले फिगर समझ में आ गई, क्या क्या है फिगर में, कौन कौन सी चीजें, दो पूछूंगा भाई बताना, आयत है, क्या क्या है इस फिगर में, सर्कल और कितने कोन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ क्या कर रहा था ध्रुव, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, हाँ भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आशीष ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब तुम्हें यार याद भी नहीं हो, 6 फॉर्मूले याद कर देने सिर्फ, उसमें भी तुम्हें टाइम लग रहा, उसमें से 2 तो नेग्लेजिबल है बहुत ज्यादा, हाँ भाई वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिखो, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, हाँ भाई 2 कौन कौन चीज है, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अच्छा अगर फिगर को और सिंप्लीफाई कर लूं, इसको फर्स्ट लिख लेता हूँ, इसको सेकंड लिख लेता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है, उससे समझाने में आसानी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लिया प्लस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन, तो एग्जैक्टली आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन
प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन, इतने में कोई परेशानी? बोलो, अरे कोई दिक्कत इतने में? चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अभी आशीष ने बताया क्या था भाई, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सबका रेडियस इक्वल है तो सेम लेटर से डिनोट करूंगा, कोई परेशानी नहीं है। बस हाइट अलग अलग है, क्योंकि सिलेंडर की हाइट अगर मैंने कैपिटल एच मानी तो बाकी की स्मॉल एच मान लेता, कोई परेशानी तो नहीं है। फिर से इसका सेम ही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक एक इंच भर की दिक्कत चलेगा, इतना कॉमन उठाओ। पाई सबके पास है, आर स्क्वायर सबके पास है ना, बचेगा यहाँ से बचेगा कैपिटल एच, यहाँ से बचा 1/3, यही तो बचेगा, और स्मॉल एच, यहाँ से बचेगा 1/3 और स्मॉल एच। यहाँ तक कोई परेशानी? पक्का कुछ पूछना है पूछ लो, फिर मत बोलना नहीं आया। यहाँ तक सही है? चलो अब वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू लास्ट में रखना, कोई दिक्कत नहीं। पाई है कितना से 20/7। रेडियस का स्क्वायर कितना है? रेडियस कितना है? 1.5। दो बार लिख दो स्क्वायर, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं 3/2 लिख दूँ दो बार, कोई परेशानी तो नहीं है। आर स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर या 3/2 का स्क्वायर। कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 1/3, स्मॉल एच की हमने रखी थी 2, 2/3 प्लस 1/3 इंटू, इसको जरा सॉल्व करना अंदर ब्रैकेट को, पहले इतना ही नोट कर लो। चलो तुम अच्छे से फिर काम करना, क्या कर रहा है जल्दी कर, देखा मत कर, जल्दी जल्दी करोगा अच्छे से नोट करा करो भाई। नोट कर, आंसर कितना आ रहा? 66। हाँ सही है, सही जो 28/3 आएगा ना, कुछ नहीं ऐसे करा था। करो भाई जल्दी, आ गया अपूर्व जी, सॉल्व करिए। समझ में नहीं आएगा तो पूछना, हाँ और नहीं समझोगे तो पिटोगे। आगे समझे कपिल, कुछ पूछना है? तुम दोनों की तो पहली क्लास छूटी हुई तेरी और इसकी, यूट्यूब में देख लेना। हाँ भाई यश, आगे समझ, क्या हुआ? मार खानी है, मार खानी है, तो पढ़ ले चुपचाप ढंग से। चलिए ये हटा दूं, ऊपर वाले स्टेप हटा रहा हूं। जब आपने इसको सॉल्व करा होगा, सीधा लिख रहा हूं, 20/7 ऐसी रहेगा, 3/2 दो बार ऐसी रहेगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे आएगा 28/3, यही आया। कर लोगे ना सॉल्व पक्का, एलसीएम वगैरह लेके आराम से कर सकते हो ना। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 7 4 जा 28, 2 2 जा फिर 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आया 22 3 जा, कितना होता है 66 सेंटीमीटर। यहाँ तक सही है, सिंपल कैलकुलेशन। तो हमने दो क्वेश्चन करे, पहला दूसरा, सही है ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक क्वेश्चन करके दिखा दो दोबारा से, कोई भी एक अपनी इच्छा अनुसार, कोई भी, कोई प्रेशर नहीं है, कोई भी एक रिपीट कर दो जल्दी से, जो तुम्हारी इच्छा है, बिना टाइम वेस्ट करे। थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना कैलकुलेशन का। हाँ हाँ 1 or 2 में से। कर जल्दी कर, यही चेप लूंगी। अच्छा यही नहीं हुआ अभी, थोड़ा जल्दी कर बहन।
ऐसा ना बच्चे घर भी चल जाए पढ़ के, तो पढ़ती रहे जल्दी कर। हो गया आदित्य, एक काम में तो एक्सपर्ट है बस, फटाफट लिखने में, फटाफट लिखने में एक्सपर्ट है बस, तो समझ भी लिया कर, फॉर्मूले भी याद कर ले जरा, याद हो गए फॉर्मूले, याद हो गए। हो गया भाई, हो गया। चलिए अब हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे को अभी अल्प विराम दो, चौथे पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सामने पढ़ेंगे साथ साथ अच्छे से, जो जो चीजें अंडरलाइन करने के लिए बोलता रहूंगा करते रहना, ठीक है। पहला है देखो क्वेश्चन किस बारे में, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है जो किसका बना है, लकड़ी का, ठीक है ना। फिगर साइड में दिया हुआ भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। किसका है, वुड का। Is in the shape of a cuboid. किस शेप में था, क्यूबॉइड। ध्यान से सुनना क्वेश्चन प्लीज, हाँ तभी समझ में आएगा। दोबारा सुनेंगे, एक पेन स्टैंड है लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, और किस शेप में, क्यूबॉइड विथ फोर कोनिकल डिप्रेशन। मतलब ऐसा समझो कि आपके पास एक क्यूबॉइड वाली चीज थी, आपने उसमें छेद करा, क्या करा, छेद। तो छेद जो होगा पेन की शेप में, पेन स्टैंड होता क्या, जैसे पेन अटक जाए ना बेसिकली, तो वो किस शेप में होगा, कौन शेप में होगा। तो यही बोल रहा है कि हमारे पास ये देखो, ये डायग्राम ऐसा, ये दिख रहा है, ये है पेन स्टैंड, किस शेप में नीचे बन रहा है, कोन। कैसी शेप बनेगी ये देख लेगा, एक क्यूबॉइड है, जब उसमें छेद करेंगे तो कौन शेप बनेगी, कोन। और कितने कोनिकल डिप्रेशन है, चार, ठीक है, अंडरलाइन करिए साथ साथ, विथ फोर कोनिकल डिप्रेशन, आ गया कोनिकल डिप्रेशन, चार कोनिकल डिप्रेशन है, ठीक है, फोर कोनिकल डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, अब देखो ये डायमेंशन कैसे दिए हैं, 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5, मतलब लेंथ दे दिया, कितना दिया लेंथ, 15, पहला जो होगा वो लेंथ होगा, दूसरा कितना है 10, और हाइट कितनी है 3.5, ये हो गई LBH। आगे रेडियस ईच ऑफ द डिप्रेशन, मतलब रेडियस दे दिया कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, सही है। एंड द डेप्थ, डेप्थ मतलब उसकी जो हाइट ही है बेसिकली 1.4 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे इस बारे में, टॉपिक ये बन गया, तो यही चीज मुझे पता लग गया, लेंथ ब्रेथ हाइट किसकी है, ये हो गई क्यूबॉइड की, और जो रेडियस और हाइट डिप्रेशन थी वो कोन। क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करा, फिर द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर वुड। अब बताओ जब उसके अंदर छेद करेंगे, लकड़ी के अंदर छेद करोगे तो लकड़ी कम होगी कि ज्यादा, नॉर्मल बात है या नहीं है, नॉर्मल है, सोच लो, सोच समझ के बताना। एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसमें जब छेद करा तो उसके अंदर की लकड़ी तो बाहर निकल गई ना, तो बेसिकली इस बार वॉल्यूम प्लस होगा कि माइनस होना चाहिए, कोई बताने की जरूरत है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो माइनस क्यों हुआ, लॉजिक ये, पहले क्वेश्चन को जैसे लिखा है, एक तरफ क्यूबॉइड एक तरफ कोन, एज इट इज लिख देना, और कोई सवाल हो मन में पूछ लेना, मन में कोई सवाल तो पूछो जल्दी से फटाफट, पूछो पूछो पूछो। हाँ भाई किसी को पूछना है, आदर जी कुछ पूछना है, पक्का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, धन्यवाद हमारे आपको याद हो गया। सूर्यांश वॉल्यूम ऑफ कौन, ये लड़के बढ़िया, देख लो बेटा, देख रहा है विनोद, सबको आ रहा है तुझे ही नहीं आ रहा है। चलो शिवम देख भाई, हाँ भाई सबसे पहले रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालने का तरीका, जो वॉल्यूम हमें चाहिए कैसे निकलेगा, बोलो भाई वॉल्यूम ऑफ, अरे बोलो ऑफ क्यूबॉइड माइनस, गलत, माइनस फोर इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, अबे चार डिप्रेशन है ना,
जीवन में बहुत डिप्रेशन है, तो चार ही है कम से कम, ठीक है? तो चार कॉनिकल डिप्रेशन हटाने पड़ेंगे, ठीक है? अच्छा, किसी को ये तो डाउट नहीं है कि इसमें से ये माइनस क्यों करा, उसमें से वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्यूबॉइड तो बड़ा होगा ना पीस, ये छोटा होगा इसलिए। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अभी हमें आए थे जैसे इंसान ने बताया। अच्छा, इसको दूसरे लेटर से डिनोट कर लेना थोड़ा, इसको कैपिटल एच लिख लो चाहे तो, इसको स्मॉल एच लिख लो ताकि डिफरेंशिएट हो जाए बेसिकली। अच्छा, इसका फॉर्मूला 4 × वॉल्यूम ऑफ कोन, हमें अभी किसी ने बताया था क्या था वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 πr² h। चलो धन्यवाद। एल की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 10 3.5, माइनस 4 × 1/3 π की वैल्यू भी रखी दो 20/7, रेडियस कितना है? 0.5। अरे 0.5 को 1/2 लिख दो, लिख सकता हूँ ना, किसी को परेशानी तो नहीं है? होगी भाई किसी ना किसी को, इसको 0.5 लिखते हैं, पॉइंट हटाए नीचे 10, ठीक है? और स्क्वायर है हाँ, तो दो बार लिखना पड़ेगा, बस ये चाह रहा हूँ, पॉइंट हटा नीचे 10। हाइट कितनी है? 1.4, पॉइंट हटा नीचे 10। यहाँ तक कैलकुलेशन सही है? अरे ठीक है, इतनी मैथ्स पक्का। चलो अब क्वेश्चन बताओ, 15 × ये सॉल्व करना, 15 × 35 कितना आएगा? 350 175, ठीक है 525 ये आया होगा। माइनस इधर देखो, इसको कैंसिल कैसे कर रहे हैं ध्यान देना, 7 × 2 = 14 देखते रहो, फिर मत बोलना ये क्या हुआ, 5 × 2 = 10 2 × 11 =, ठीक है? फिर दोबारा 5 × 2 = 2 से 2 कैंसिल, ठीक है? सारे 5 कैंसिल हो गए, बचा क्या? एक बचा 4 × 11 44/3 × 2 = 6। अच्छा 10 है ना, सॉरी 3 × 10 = 30, यहाँ तक सही है? अब इसको सॉल्व कर दो, 44/30 कितना होता भाई? 1. माइनस करने जाता इसको 523 समथिंग जो भी आ रहा, 54 ये आ रहा क्या, 543 जो भी आ रहा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो लॉजिकली इतना लगभग अप्रोक्स आंसर आया, कोई परेशानी? अरे पूछो, कोई परेशानी मुझे है, तुम पूछते नहीं सवाल। ये इधर लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा ये भी कार्ड था, ये आ रहा भाई 5, कितना आ रहा 5, 23.54 ना जो भी आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आया, क्या इतना आपको समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन क्लियर? हाँ भाई, क्या नहीं आया समझ में? आ गया तो नींद क्यों आ रही? माना बहुत बुरा पढ़ाता यार, इतना भी नहीं पढ़ाता, खड़की बोल रहा आराम से, वरना ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, तो झटके लग जाएंगे ना। चलो भाई इसी बात पे कर लिया भाई नोट सबने? कर लो नोट कर रहा तो जल्दी। हाँ अब से ना इसी से पूछेंगे सबसे, अगर इसने कर लिया तो सबने कर लिया नोट, मतलब क्यों है वहाँ आ गया कैलकुलेशन देख लिया ना। अरे वो अगर 44/30 1.7 आएगा लास्ट में तो वो 3 बनेगा और हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th हटा रहा हूँ। अपूर्वा हेमा पढ़ लो, बहन दरवाजा खुला है आप जा सकती है। तो झेलना सीखो अब, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं नए फोन सबमिट कर दूंगा फिर से, नए बच्चे आ जाएंगे फिर से, मेरा क्या है, मैं तो खुश हूँ बिल्कुल। उसमें नोट में नीचे एक लाइन भी लिखी थी, पढ़ ली थी ना। हाँ क्या, हाँ कोई नहीं आराम, किरण खतरों के खिलाड़ी बाद में खेलना। हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ साथ। क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, मतलब एक वेसल है किस शेप में, उल्टी कोन में, ठीक है ना? ध्यान समझना क्वेश्चन, बना दो फिगर, फिर एक इन्वर्टेड कोन बना दो,
ऐसा, ये रहा इन्वर्टेड कोन। ये क्वेश्चन बढ़िया अच्छा लग रहा मुझे, मजा आएगा शायद इसमें। लो भाई इन्वर्टेड कोन की शेप में उल्टा कोन, विच इज ओपन, ऊपर से क्या है खुला है, ठीक है। अच्छा ये सॉरी एक इन्फॉर्मेशन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी 8, तो चलो भाई हाइट बना दी 8 सेंटीमीटर ये हाइट है। आगे ध्यान सुनना, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, रेडियस कितना है टॉप का 5 सेंटीमीटर, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो गिवन है वही बनाते जा रहा हूँ। आगे बोला इट इज फिल्ड विद वॉटर, उसमें क्या भरा हुआ है, अप टू ब्रिम, मतलब पूरा ऊपर तक भरा हुआ है ढंग से फुल, ठीक है। अब इसमें क्या डालनी है, ऐसे करके ना इसमें बॉलें डालनी है छोटी छोटी, लाइट शॉर्ट, लाइट के शॉर्ट डालने के करके, ईच ऑफ विच मतलब जो लाइट के शॉर्ट डालने वो किस शेप में, स्फीयर शेप में, ये रहा स्फेरिकल शेप में, लाइट के जो शॉर्ट है वो स्फेरिकल शेप में, और उनका जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। अब उसने बोला 1/4 ऑफ द वॉटर, मतलब जब आपने डाले होंगे ना उसमें लाइट शॉट, एक डाला दो डाला, अच्छा बताओ अगर फुल पानी भरा हुआ है आप एक लाइट शॉट डालोगे पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, पक्की बात है। अब आ जाओ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नहीं पढ़ा था, आप सुन लो, बेसिकली ये बोला जाता है, ध्यान सुनना, पढ़ाया भी होगा तुम लोगों को, ऐसा बोला था जो वाटर डिस्प्लेस होता है ना जो बाहर आता है वो बराबर होता है वॉल्यूम जो उसके अंदर डाली गई है बेसिकली। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, पानी में अगर चींटी कूदेगी तो पानी कम डिस्प्लेस होगा, पानी में हाथी कूदेगा तो ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा, लॉजिक है बात में। तो बेसिकली जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, या जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का होता है ओरिजिनल, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ लाइट शॉट मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, अरे सुन लो भैया हमारी भी सुन लो, हम भी पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लाइट शॉट्स, सही है। ये लाइन समझ लो, अगर ये लाइन समझ में आई क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, बाद क्वेश्चन में बाद में करते हैं। क्या निकालना क्वेश्चन, नंबर ऑफ लाइट शॉट निकालने के, पढ़ लो एक बार है ना, ये लिख लो बस एक बार, ये समझ लो जिसको ये लाइन समझ आएगी काम डन। जो वाटर डिस्प्लेस हुआ मतलब बाहर आया वो किसके बराबर है, जितना वॉल्यूम किसका है, लाइट शॉट्स का है, क्लियर है इतना, ठीक है भैया, लाइन समझ में आ गई है। इसको भी गर्मी लग रही, एक मिनट, क्या हुआ, इसी शक की नजरों से क्यों देख रहा हूँ, मुझे इतना शरीफ इंसान हूँ मैं, क्या नहीं ब्लैक हो जाएगा, हाँ भाई हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को करना, हल्के में लेना इस क्वेश्चन को। अच्छा ये बताओ उसने क्या बोला है, वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लास्ट एक लाइन छोड़ के, सॉरी क्वेश्चन में ये बोला है कि जब लाइट शॉट डाले क्या पूरा कोन खाली हो गया, कितना 1/4 खाली हुआ है, कितना खाली हुआ है 1/4, ध्यान से इस लाइन को समझना। अब हमारा क्वेश्चन चल रहा है ऐसा, एक तरफ हमारा है कोन और एक तरफ है कौन सी है दूसरी स्फीयर, लाइट शॉट, ठीक है। जो स्फीयर है उसका तो सिर्फ रेडियस से मतलब होता है, कितना रेडियस 0.5, अरे ध्यान से देख लो कोन का वॉल्यूम कितना है, अरे वॉल्यूम सॉरी वो कितना रेडियस 5 और हाइट कितना है 8। चलो ये कोन के बारे में, जो वॉल्यूम वाटर ये लिख दिया ना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वॉल्यूम, इसके नीचे लिख दो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, सही है लाइन, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ 1/4 किसका, कोन की वॉल्यूम का है ना, जितना टोटल था उसका 1/4 डिस्प्लेस हुआ, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लाइट शॉट। अब बताओ कितने लाइट शॉट डाले आपको पता है क्या, नहीं, तो मैं ऐसा लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ लाइट शॉट मतलब n इनटू वॉल्यूम ऑफ वन लाइट शॉट, सही है। हमने मान लिया लाइट शॉट कितने n है, हमें नहीं पता है 1 है 2 है 10 है, हमें n मान लिया, ठीक है, हमें 1 की पता होगी तो n से इनटू कर देंगे बेसिकली, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लाइट शॉट बराबर n इनटू वॉल्यूम ऑफ वन लाइट शॉट, सही है, हम तो एक ही का निकाल सकते हैं ना, इतना सही है क्वेश्चन की ये लाइन लिख लो। दूसरी लाइन ये इंपॉर्टेंट, ये दो लाइनों पे क्वेश्चन है निर्भर, अब बस ये दो लाइनें लिख लो फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ ये दो लाइनें, सबसे बढ़िया दो लाइनें,
ठीक है यहाँ तक लिख लिया। इतना हो गया डन। आगे देखो और भी चलाऊं यार। चलो भाई देखो अब ये हटा दो, ये भी हमारे काम के नहीं है, ये भी हटा दो। चलो भाई वैल्यू रखेंगे 1/4 ए सी, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एन इनटू बकरा। हाँ भाई आदित्य चौहान, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बहुत बढ़िया, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, इसको स्मॉल आर मान लो, इसको कैपिटल मान लो, इस वाले को कोई परेशानी तो नहीं है। चलो अब वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे सबके सब साथ में। बताओ भाई वैल्यू स्टार्ट करो, वैल्यू रखना 1/4 × 1/3। अच्छा पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, सही है इतना, देख लो भाई ध्यान से, कैंसिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। 1/4 यहाँ बच गया आर स्क्वायर, कोन का रेडियस कितना था 5, तो 5 × 5 दो बार, हाइट कितनी थी कोन की 8, तो 8 आ गया इज इक्वल टू एन, ऐसी रहेगा एन निकालना है यहाँ से 4/3 ऐसी रहेगा, और आर क्यूब कितना था रेडियस 0.5, तो 1/2 1/2 1/2 तीन बार लिख दो बात, तो वही क्यूब है ना, क्योंकि अब कैंसिल उड़ाओ फटाफट, 3 से 3 कैंसिल, सही है यहाँ तक, देखते रहना 2 2 जा 4 कैंसिल यहाँ से, अरे ठीक है इतना। अब एन निकालना है, एन निकालना है, ये ऊपर बचा 5 5 8, ये बना 5 5 25 8 200 / 4, ये पहले से अच्छा इसको और सॉल्व कर दो, 4 2 और कट गया 25 2 50, ये इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई, 50 × 2 कितना होता है 100, 100 ही आ रहा ना, 100 लेट शॉट, तो कितने लेट शॉट थे 100, सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है। आर्य भट्ट के मेथड से करना, आलिया भट्ट के मेथड से मत करना, ठीक है, वरना अर्थ का तुम्हारा अनर्थ तुम्हारा ही आएगा। हाँ भाई बोलो, ठीक है ना, क्या हुआ नहीं आया समझ, इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा प्लीज, हाँ लेफ्ट शॉट वाले को जल्दी इम्पोर्टेंट मार्क करो, आया इतना समझ है? आ गया, एक बार जरा क्वेश्चन रिपीट करना फटाफट वाला, जल्दी रिपीट करो वाला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट लिखा, इम्पोर्टेंट मार्क कराए वाला, इम्पोर्टेंट मार्क करो और रिपीट करो जल्दी से, नहीं समझ में आया दोबारा पूछो मेरे से, ठीक है। टफ नहीं लगना चाहिए बस इस क्वेश्चन में कुछ, पढ़ ले, हो गया रिपीट कर लिया, देखियो रिपीट कर लिया, नहीं करना रिपीट, दोबारा 100 निकाल दिया आंसर, अरे मतलब रिपीट कर दिया, देख के नहीं करने चाहिए, दिमाग लगा करना था, हो गया कर जल्दी कर भाई, अथर्व के दोस्त जल्दी कर, जैसे मैंने श्लोक को नहीं बोला कि तेरे को आगे बैठाऊंगा, खुद ही आके आगे बैठ जाता, सर आगे आके बैठ जाता, हो गया समझ में आ गया, एग्जाम में हो जाएगा। हाँ भाई शिवम जी, इस चैप्टर में क्या टफ है अब मेरे को समझाओ, शिवम सर जितना अभी तक पढ़ा है क्या टफ है इसमें, हाँ बता बता अपना एक्सपीरियंस बता, हाँ बता कुछ तो टफ होगा, देखो सिंपल है, फॉर्मूला याद करो पहला काम, दूसरा अगर तुमने क्वेश्चन तुम्हारी नजरों से पहले होके चला गया है
मतलब तुमने कभी पहले जिंदगी में क्वेश्चन कराए तो कोई गलत करा ही नहीं सकता है क्वेश्चन। जब तक तुम 2, 3 जस 100 ना लिखो तब तक गलती नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। फिर फॉर्मूला याद है, तुमने क्वेश्चन पहले करा हुआ है और कैलकुलेशन की गलती नहीं होगी, तो कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। फिर सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा, ठीक है, तो फिर तो मैं भी क्या, भगवान भी आके भी नहीं करा सकते फिर तो, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछा है और तुमने अगर क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया, कैसे हो सकता आंसर, ठीक है। पता है ना सबको इतनी शक्तियां किसके अंदर है, तेजस्वी आदमी। क्या बात, पेरेंट्स की बहुत याद आती है बच्चों को। चलो बे क्वेश्चन लिखो फटाफट, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखो भाई ये सॉलिड आयरन वाला क्वेश्चन आया, 6th क्वेश्चन देख रहा है। क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने परसों कराया कि नहीं कराया? एक बार क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं होती, क्वेश्चन पूरा पढ़ना, पहले पढ़ तो ले। और अभी पूछूंगा ना इनसे कर पढ़ तो ले पहले। वैल्यूज अलग थी वो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कुछ ऐसा डायग्राम सोचोगे तो याद आ जाएगा। क्या बोला है, एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट, एक सिलेंडर है और उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर है। दो सिलेंडर की कहानी है, दो सिलेंडर की कहानी हमने परसों भी चली थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ साथ। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट, एक सॉलिड आयरन पोल है जिसमें एक सिलेंडर है, कितना ऐसा, कितनी हाइट का है, कितने क्या है, अरे बोल दो यार जरा, हाइट कितनी है, 220। इसकी हाइट हो गई मीटर की, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और रेडियस कितना है, डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 12। यहां तक सही है, ठीक है। आगे क्या बोला है, ध्यान से पढ़ेंगे। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, मतलब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, उसका क्या है कहानी, उसकी कहानी कुछ ऐसी है। दूसरा जो ऊपर सिलेंडर है उसकी हाइट 60 और रेडियस कितना है, 8। तो लो भाई देखो ऐसा, बेचारे तो ऊपर ही पहुंच जाएगा, थोड़ा नीचे आओ बेटा, जमीन को छुओगे तभी तो जीवन उड़ोगे। ये आ गया 12, ये आ गया 220, दूसरा आएंगे बेटा आएंगे। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मार्क्स आने दो, नमक मिर्च लगा के बोलूंगा घर वालों से। हाइट है 60 और रेडियस कितना है, 8। ये फिगर दिख गई पहले। आगे क्या पूछा आपसे, फाइंड द मास, मास पूछा है तो वही है, मास का तो आपको याद है फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। वैसे भी अगर यही नहीं याद है तो देखो क्या लिखा है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 cm³ किसके बराबर है, पढ़ो क्या लिखा है, 1 cm³ 8 ग्राम के बराबर है। तो बेसिकली आपको वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम कैसे निकलेगी, रेड वाले की प्लस ब्लैक वाले की, दो पोल है ना, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड वॉल्यूम, लिखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, इसको फर्स्ट लिख लो, इसको सेकंड लिख लो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। फर्स्ट सिलेंडर, अरे सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, चलो बढ़िया, प्लस दूसरे वाले का पाई आर स्क्वायर एच, सही है, यही होगा फॉर्मूला। हाँ भाई पाई कॉमन आएगा, बाहर निकालो आर स्क्वायर। अब देखो पाई कॉमन लेने का नतीजा, अगर तुम यहीं पे पाई के लिए रख दोगे ना, तुम्हारे आराम से 10 मिनट कहीं नहीं गए, मगर पाई कॉमन लेके करोगे पहले आराम से लास्ट में रखोगे तो कितनी आसानी से आंसर आएगा देखना। पहले बात करते हैं फर्स्ट सिलेंडर, इसके लिए आर की वैल्यू कितनी है, आर रेडियस कितना है, कहाँ लिखा है फर्स्ट, तो देख ध्यान से, 6 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 8 का स्क्वायर × 6, प्लस नीचे वाले के लिए आर स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर, कितनी है 220। यहाँ तक सही है, अरे ओ इधर देख ले, 8 का स्क्वायर 64 × 60,
12 का स्क्वायर 144 इनटू 220, यहां तक सही है? जरा इनटू कर दो फटाफट जल्दी से, लास्ट में रखें पाई के लिए, रख दे तो इनटू से इनको मल्टीप्लाई और ऐड कर दो। 64 इनटू 60 कितना आ रहा? 64 हैं लो यार, 3.14 ले लेना और क्या, कितना है ये? 64 इनटू 3840 है प्लस ये वाला 31680, ऐड करना जरा, कितना 35520। यहाँ से सॉल्व कर दो यार प्लीज, मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, कितना आ रहा मल्टीप्लाई कर दो, कर लोगे ना मल्टीप्लाई आराम से? कर दिया मल्टीप्लाई, ये अच्छा, इसको जो आंसर आएगा लास्ट में 8 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? जो भी आंसर आएगा ग्राम निकालने के लिए, ठीक है? वेट निकालने के लिए लास्ट में 8 से इनटू कर देना। 8th क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, लिखो 8th क्वेश्चन। और नेक्स्ट हैंड डालो, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, बोलते कॉपी पैक करने के लिए हैंड डालो, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। अच्छा जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ध्यान सुनिएगा, एक वायर है, इसकी लेंथ अगर 50 मीटर है एग्जांपल के लिए, या 10 मीटर है, ठीक है? अगर मैं इसका सर्कल बनाऊंगा तो भी लेंथ कितनी रहेगी? जितनी है लेंथ, ठीक है? अगर इससे रेक्टेंगल बनाऊंगा तो भी कितनी रहेगी लेंथ? ये सबको पता है। तो हमेशा हम जब भी बात करते हैं टू डायमेंशन फिगर की, एक स्ट्रेट लाइन है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, या ट्राइंगल बना दिया इससे, पेरीमीटर हमेशा क्या रखते थे? इक्वल। याद ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा अगर कभी भी हम सॉलिड को चेंज करते हैं, अगर टू डायमेंशन में, किसमें? टू डायमेंशन, तो पेरीमीटर को इक्वल रखते हैं। किसको इक्वल रखते हैं? पेरीमीटर को, समझ में आया? और वहीं अगर हम बात करें थ्री डायमेंशन में, किसमें बात करें? थ्री डायमेंशन में। एग्जाम्पल के लिए ये एक थ्री डायमेंशन फिगर है, इसमें पानी स्टोर है, क्या स्टोर है? पानी। इसी पानी को मैंने डाला एक बेसिकली मान लो एक रेक्टेंगुलर उसमें डाल दिया टब में, और उसको फ्रिज में रख दिया, तो जो आइस बनेगी, ठीक है, वो भी उतने ही लीटर की होगी या अलग लीटर की होगी? वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना इस बार। तो याद रखना, टू डायमेंशन में लेंथ सेम रहती है या पेरीमीटर सेम रहता है, थ्री डायमेंशन में वॉल्यूम सेम रहती है। क्या सेम रहता है? वॉल्यूम। कभी भी आप एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में जब भी बनाओगे तो किसको इक्वल रखना है? वॉल्यूम को। किसको इक्वल रखेंगे? वॉल्यूम को। पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? जो पानी बकेट में है उस पानी को कहीं और ट्रांसफर कर दो, या उस पानी को कहीं और ट्रांसफर कर दो, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो एक लाइन लिखिए बढ़िया करके, लिखो, जब भी एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनाया जाएगा, जब भी एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनाया जाएगा तो वॉल्यूम को सेम रखना है। तो वॉल्यूम को क्या रखना है? सेम, ठीक है? पक्की बात। एग्जाम्पल के लिए आपने छोटे छोटे, आपके पास बॉल्स थी, छोटे छोटे लेड कोई भी एलिमेंट के पीस थे, छोटे छोटे आपने सबको मिला दिया और एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया, तो जो बड़ा स्फीयर बनेगा वो उनके वॉल्यूम के बराबर होगा ना, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा, जमीन में आपने खोदा, क्या निकलेगी? मिट्टी। उसी मिट्टी से हमने कुछ बना दिया, तो जो वॉल्यूम जमीन की मिट्टी निकली है वही वॉल्यूम क्या बनेगा? जो नया फिगर बनाया, सही बात है? दो कॉन्सेप्ट, ठीक है? तीसरा, जब पानी आता है, मान लो नहर में पानी देखा चलते हुए, नहर का पानी कौन से शेप में होता है?
क्यूबॉइड में होता है, कैसे पता, ध्यान समझना, लंबाई होती है उसकी, लेंथ होती है, देखिए लंबाई, मैंने बोला ना ये ये जो नहर है वो 10 किलोमीटर तक दूर है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है 10, जो लेंथ होती है। ब्रेथ मतलब जो आप कूद के पार करते हो, कूद के पार ही करोगे ना नहर, तो वो उसकी ब्रेथ, और हाइट मतलब कितनी वो गहरी है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है ना, तो किस कैनाल की शेप में होती है, क्यूबॉइड, याद रहेगा पक्का। अच्छा जो सिक्का होता है, सिक्का देखा है वो कौन शेप में होता है, सिलेंडर शेप में होता है, जरा ध्यान से सुनो, जो सिक्का होता है टॉप और बेस तो सर्कल शेप में है, हल्की सी बहुत कम सी तो उसकी थिकनेस है ही ना, तो वो उसकी हाइट हो जाती है, ऊपर नीचे सर्कल, बीच में क्या हल्की सी हाइट, तो क्या बन गया ये सिलेंडर, सिलेंडर है क्या बेसिकली, बेस में सर्कल, ऊपर सर्कल, बीच में क्या है हाइट, अगर वो हाइट ज्यादा होगी तो दिख जाएगी, कम होगी तो नहीं दिखेगी, यही तो फर्क है। सिक्का कौन शेप में होता है, सिलेंडर, याद रहेगा पक्का, ये कॉन्सेप्ट प्लीज याद रखना, काम आएंगे बहुत ज्यादा। अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये भी काम आएगा। जो नहीं पता चीज जो मैंने बोली उनमें से कोई चीज नहीं पता है, लिख लो, पहला कि जब भी हम शेप चेंज करेंगे तो क्या इक्वल रखना है, वॉल्यूम। दूसरा जमीन में से मिट्टी निकालेंगे उसको कहीं और खोदोगे लगाओगे तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। नहर जो कैनाल होती है किस शेप में होती है, क्यूबॉइड। लास्ट सिक्का किस शेप में होता है, सिलेंडर। इतना सही है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, जो कन्वर्जन वाला टॉपिक पढ़ लेंगे हम कल, कन्वर्जन वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, परसों तक खत्म हो जाएगा, मतलब वेनेसडे को खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान सुनना। उसके अगले दिन से फिर हम साइंस स्टार्ट कर देंगे अपना एक टॉपिक, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में अब ज्यादा नहीं बचेगा, फिर एक टॉपिक और बचेगा, वो एरिया वाला है, वॉल्यूम वाले हम टॉपिक निपटा चुके होंगे। अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो रही, प्लीज बता दो अभी के अभी, अगर हो रही तो घर जाके दोबारा देखना वीडियो, ठीक है, दिक्कतें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बाकी देखो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो मैं सही नहीं करवा सकता चीजें, पहले बता दिया। कल सबके सब एनसीईआरटी लेके आना और 4:30 बजे पहुंच जाना, कितने बजे 4:30, और एनसीईआरटी के बिना मत आना, ठीक है, चलो बैकपैक करो जल्दी।